नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चोगामा की आवाज़ को। फिशरमैन कांग्रेस पश्चिमी यूपी प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कश्यप ने कहा कि पिछले दिनों मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद महोबा जनपद के दौरे पर गए, जहां पर मंत्री जी ने अपने ही समाज के लोगों को अधिकारियों के सामने गवार बोल दिया, जबकि मंत्री जी भूल गए कि जिस समाज को गवार बोल रहे हैं उसी की बदौलत आज वो कैबिनेट मंत्री, उनका बड़ा बेटा सांसद और छोटा बेटा विधायक है। पूरा समाज इनके इस बयान से आहत है और पूरा समाज गुस्से में है। उन्होंने समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मंत्री जी ने पहले भी समाज के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। इनके ऐसे बयानों से समाज की छवि बार बार लगातार धूमिल हो रही है। ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी का और मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में अपशब्द कहे हैं। समाज की मांग है कि संजय निषाद को मंत्री पद से तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। यदि बर्खास्त नहीं किया जाता तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन में मुख्य रूप से सुरेश पाल कश्यप, संजीव कश्यप, राम कुमार कश्यप, संचित कश्यप, मनोज कश्यप आदि सैकड़े लोग उपस्थित रहे। चोगामा की आवाज़ के लिए मुजफ्फरनगर से संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों, इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज आप सब डीएम ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मामला है? मामला है कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग के संजय निषाद ने अभी महोबा में वो गए एक कार्यक्रम में, और महोबा में जाकर कश्यप और निषाद समाज को उन्होंने गंवार कहा और समाज पर इतनी अभद्र टिप्पणी की जिससे समाज काफ़ी गुस्से में है, और समाज ने उनको चेतावनी भी दी कि भाई माफ़ी मांगे। वो जगह जगह समाज को ऐसे अभद्र टिप्पणी करते घूम रहे हैं, तो इससे समाज में गुस्सा है। तो आज डीएम साहब के माध्यम से हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने आए हैं कि ऐसे आदमी को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो जिस समाज से आता है और उसी समाज को गंवार कहता है। आज उसी गंवार समाज जिसको ये कह रहा है संजय निषाद, उसी की देन है कि आज वो मंत्री है कैबिनेट में, उसका बड़ा लड़का सांसद है, छोटा लड़का विधायक है। इसी समाज की वजह से आज उन पदों पर बैठा है और जो समाज के मुख्य मुद्दे थे उनको भूल गया है। तो समाज आज गुस्से में है और हम लोग आज मांग करने आए मुख्यमंत्री जी से, उसे तत्काल संजय निषाद को बर्खास्त किया जाए। ऐसे आदमी को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है,